मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। यह है चौधरी रणवीर सिंह की शानदार हवेली और ये खुद आ गए चौधरी रणवीर सिंह। इस घर के मालिक और इस इलाके के मुखिया चौधरी रणवीर सिंह ने अपने ही बनाए उसूलों पर चलते हुए आज तक शादी नहीं की। इतना ही नहीं, अपने सिद्धांत ऊंचा रखने में अपनी शान समझते हुए बस इन्हीं में घिर कर रह गए हैं। चौधरी सर, क्या है? ये देखो बच्चे लोग ने मेरा क्या हाल कर दिया है। कहाँ हैं बच्चे? किसने फाड़े मिसेज लोबो के कपड़े? हाथ आगे करो, मैं कहता हूं हाथ आगे करो। तुम हाथ बीच में क्यों ला रहे हो? मेरी बहन को मत मारो मामा। हाथ पीछे पीछे। मेरे होते हुए आप बुढ़िया को नहीं मार सकते। मामा के आगे जबान चलाता है, मामा को जवाब देता है। क्या कर रहा है? सुबह होती लाठियां बरसाना शुरू कर देता है। अरे रहम कर, मासूम बच्चे हैं यार। रहम और इन शैतानों पर, तेरी वजह से मैं इनको यहाँ लाया, लेकिन उन्होंने मेरा जीना दूभर कर दिया है। इन्होंने दूभर कर दिया कि तूने इनका जीना दूभर कर दिया? कुमार। अरे यार क्या करता है, छोड़ना अभी गुस्सा। ये बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। हाँ, कभी कभी यही लाड प्यार ही जिंदगी में जहर घोल देता है। इसी लाड़ प्यार की वजह से इनकी माँ के भी कदम बहक गए। चलो बच्चों, तुम्हारे मामा जी की तबीयत खराब है, अपन कबड्डी खेलेंगे। चलो अपन पढ़ेंगे, चलो पढ़ेंगे, शाबाश। हाँ, कभी कभी यही लाड़ प्यार ही जिंदगी में जहर घोल देता है। अरे भैया, ये सब किसके लिए? मेरी प्यारी बहन के लिए। मेरे लिए? हाँ, तेरी शादी भी तो करनी है। ऐसी धूमधाम से करूँगा तेरी शादी कि दुनिया देखती रह जाएगी। सरकार, सरकार, ठाकुर साहब आए हैं। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। ठाकुर साहब, चौधरी साहब। आइए बैठिए, बैठिए, आइए आइए। चौधरी साहब, हमें आपकी बहन राधा का रिश्ता मंजूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। राधा, भैया अरुण और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। मैं जानती हूँ कि मुझे आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी नजर में उनकी औकात एक मामूली मैनेजर से ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन मेरी नजर में उनका दर्जा बहुत ऊंचा है, क्योंकि उनके पास प्यार की वो दौलत है जिसके सहारे आपकी बहन हमेशा खुश रहेगी। मैं इस घर से अपनी झोली में सिर्फ आपका प्यार समेटे लिए जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना, आपकी बहन राधा। माफ तो मैं तुझे कभी नहीं करूंगा राधा। तूने अपने भाई के चेहरे पर तमाचा मारा है और इसे रणबीर सिंह कभी नहीं भुला सकता, कभी नहीं। ये रही शय और ये रही मात। चौधरी साहब, संभालिए अपने राजा को। अरे राजा को छोड़ो यार, या तो प्रजा ही नहीं संभल रही, वैसे मां तभी हुई नहीं। ये मां तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन ये बच्चे घर पर आए थे। अरे प्यारे, बच्चों से ही घर घर होता है। घर या चिड़िया घर? अरे जहाँ आवाजें सुनने के लिए कान तरसते हैं, वहाँ चिड़ियों को कम से कम चहचाने की आवाज तो आ रही है। ऊपर वाले का शुक्र अदा कर प्यारे। इन चिड़ियों को पिंजरे में बंद रखने के लिए ही तो मैंने प्रोफेसर रही को खत लिखा है कि जल्दी से इनके लिए कोई गवर्नेंस भेज दे। गवर्नेंस? यानी सिंफ नाजुक, यानी औरत। प्रोफेसर साहब, इतनी पढ़ाई लिखाई का भी क्या फायदा? दर दर भटकने के बाद भी
कोई नौकरी नहीं मिली, पता नहीं और कितनी ठोकरें खानी बाकी है। बेटी, तुम जैसी होनहार बच्ची कभी बेरोजगार नहीं रह सकती है। तुम्हें इंशाल्लाह एक न एक दिन नौकरी जरूर मिलेगी। सर, आपने जो चौधरी साहब को चिट्ठी लिखी थी उसका कोई जवाब आया? बेटी, जवाब तो आया है, लेकिन उन्हें एक बुजुर्ग मोहतरमा की जरूरत है। वैसे बेटी, अगर तुम्हें किसी तरह की मदद चाहिए तो मुझसे बेझिझक कहना। थैंक यू सर, मैं तो पहले ही आपके एहसानों तले दबी हूँ। माँ, तू आ गई बेटी? हाँ माँ। नौकरी मिल गई? मिल जाएगी माँ, तू क्यों चिंता करती है? हाँ, तू ठीक कहती है बेटी, ऊपर वाला देर सवेर तो सुनेगा ही। चल पहले तू खाना खा ले। खाना? अरे नहीं माँ, मैं तो प्रोफेसर साहब के घर से अभी खाना खाकर आ रही हूँ। फिर भी थोड़ा सा तो। अरे माँ देख, मेरे पेट में जरा सी भी जगह नहीं है। चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अच्छा, तो आज मेरी बेटी ही मेरी माँ बन रही है। खांसी का दौरा पड़ गया है, तुम उनका ख्याल रखना। अच्छा, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। सुनिए बेटी, देखिए मैं इनके बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इन्हें किसी अच्छे से सैनिटोरियम में रखकर इनका बाकायदा इलाज करवाइए, क्योंकि अभी बीमारी की शुरुआत है, वरना। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ भी करूंगी। सोनिया बेटी, कभी तुझे सुख तो न दे सकी, उल्टा तुझ पर दुखों का बोझ डालती जा रही हूँ। ऐसा क्यों कहती हो माँ? जब पिताजी का साया मेरे सर से उड़ गया तो तुमने रात दिन एक करके मुझे पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, तो क्या मैं तुम पर बोझ थी? जब मैं तुम पर बोझ नहीं थी माँ, तो तुम मुझ पर बोझ कैसे बन सकती हो? बड़ी खुशकिस्मत होती है वो औलाद जिन्हें अपने माँ बाप की सेवा का मौका मिलता है। जीती रहो बेटी, तू आराम कर माँ।
हेलो आंटी। हेलो बेटी, आप कहाँ तक जा रही हैं? पुटी तक। तो भी बड़ा मजा आएगा। मजा आएगा? हाँ, आपके साथ का। मैं भी ऊटी जा रही हूँ। आप कुछ खाइए ना। नो थैंक्स। मिठाई के लिए इनका। ओह समझी, आप इस उम्र में भी अपने फिगर का ख्याल रखती हैं, है ना? आप मेरा फिगर देख रही हैं? तुम खाते पीते घर की लगती हो। हाँ, आप ठीक कहती हैं। हमारे यहाँ तो हर एक दो दो किलो आराम से खा जाता है। तो तुम खाते पीते रहो, मैं अपनी बूढ़ी हड्डियों को थोड़ा आराम देती हूँ। अच्छा, लड़की नहीं देखी क्या? अरे हटो मेरे रास्ते से। लड़कियां तो बहुत देखी हैं, लेकिन आप जैसी नहीं। यहाँ पर एक खूसट सी बुढ़िया थी, कहाँ गई? खूसट सी बुढ़िया? हाँ, मगर वो तो ऊटी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो पिछले स्टेशन पे ही उतर गई। एनीवे आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, बट देयर वाज नो अदर वे, वरना ट्रेन छूट जाती है। आपने जो कुछ भी किया अच्छा किया। आइए आइए मेरे पास बैठिए। ये तुम्हारे पास नहीं बैठ सकते। तो फिर मैं आपके पास बैठूं? आप ना यहाँ बैठ सकते हैं ना वहाँ। तो फिर मैं कहाँ बैठूं? कहीं, मगर इस कंपार्टमेंट में कहीं नहीं। चलिए उतरिए। देखिए मैडम, जब मैं ट्रेन पे चला था तो ट्रेन कुछ यूं होती, अब कुछ यूं हो रही है। अब अगर इस हालत में उतरूंगा तो मैं धरती पर नहीं आसमान में पहुंच जाऊंगा। आप आकाश में पहुंचे या पाताल में, यहाँ से दफा हो जाइए। चलिए, रहम कीजिए। नो रहम। अरे, एक शरीफ आदमी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज। ऐसे शरीफ बदमाश की रिक्वेस्ट का मतलब मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप अभी तक गोद में बैठे? चलिए उतरिए, उतरिए, मैं चेन खींच लूंगी। चेन खींच दूंगी? मेरे होते हुए तुम कुछ भी नहीं खींच सकती। खींच सकती हूँ, नहीं खींच सकती। अच्छा, खींच सकती हूँ, नहीं खींच सकती। खींच सकती हूँ, नहीं खींच सकती। खींच सकती हूँ, नहीं खींच सकती। वाह, क्या मजेदार फाइट है। अरे वाह, अरे अरे वाह। आप दोनों आपस में फैसला कर लो, तब तक मैं आराम फरमाता हूँ। अरे वाह, देखिए साहिबानों मेहरबानों, पहली बार ट्रेन में जोरदार धमाकेदार फ्री स्टाइल मारामारी, सिंगल पसली वर्सेस डबल पसली। डबल पसली ने किया वहां सिंगल पसली, झपाक और पसली थोड़ी पिछली हटके सिंगल पसली को, जो डबल पसली को धो रही है, धपा धप लब 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 लब, और डबल पसली चलो खाना है। क्या शोर मचा रखा है यहाँ? अच्छा, वो आप आ गए। अब जरा इनसे पूछिए कि ये महोदय लेडीज कंपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं। पूछे पूछे,
क्यों माशे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए उतरिए, नीचे उतरिए। अरे साहब, लेकिन मेरी भी तो बात सुनिए ना प्लीज। हाँ हाँ, जरूर सुनेंगे, लेकिन स्टेशन आने के बाद। कम ऑन, नीचे उतरिए, नीचे उतरिए। स्टेशन ही ना सर, पुलिस स्टेशन तो नहीं। आइए टीसी साहब, आप मारेंगे तो नहीं ना? आइए आइए, पहले मेरे साथ। सिंगल पर्सन, तूने अच्छा नहीं किया। आगे की कार्यवाही आप कीजिए, मेरी तो सीटी बज गई, मैं चला। मेरा तो बाजा बज गया ना। बैठा बैठा साहब, ये मेरा फाइन। नमस्ते। कमाल है। प्यासा कुएं के पास आता है, मैं हूं मोहब्बत का प्यासा। प्यासा कुएं के पास आता है, मैं हूं मोहब्बत का प्यासा। प्यासा कुएं के पास आता है, मैं हूं मोहब्बत का प्यासा। मैं भी अपने दिल की प्यास बुझाने आया हूं, आगे तेरी मर्जी दिल दे या दिल तोड़ दे। आगे तेरी मर्जी के पास आता है, मैं हूँ मोहब्बत का प्यासा। मैं भी अपने दिल की प्यास बुझाने आया हूँ, आगे तेरी मर्जी दिल दे या दिल तोड़ दे। आगे तेरी मर्जी दिल दे या दिल तोड़ दे। तेरे होंठ गुलाबी है, तेरा हुस्न कयामत का हो, तेरे नैन शराबी है। प्यासा कुएं के पास आता है, मैं हूँ मोहब्बत का प्यासा। प्यासा कुएं के पास आता है, मैं हूँ मोहब्बत का प्यासा। मैं भी अपने दिल की प्यास बुझाने आया हूँ, आगे तेरी मर्जी दिल दे या दिल तोड़ दे। हो आगे तेरी मर्जी दिल दे या दिल तोड़ दे। मुझको तो भाए तेरी सादगी, आशिक बना है तेरी सादगी। मुझको तो भाए तेरी सादगी, आशिक बना है तेरी सादगी। तेरी आंखें झुकती हैं तो मेरा दिल धड़कता है, जब तेरे पास आओ तो शोला सा भड़कता है। प्यासा कुएं के पास आता है, मैं हूँ मोहब्बत का प्यासा। प्यासा कुएं के पास आता है, मैं हूँ मोहब्बत का प्यासा। मैं भी अपने दिल की प्यास बुझाने आया हूँ, आगे तेरी मर्जी दिल दे या दिल तोड़ दे। हो आगे तेरी मर्जी।
प्लीज टिकट टिकट प्लीज। नमस्कार नमस्कार सावित्री देवी जी, मैं आप ही को लेने के लिए आया हूँ। जी मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। आप वो नहीं है तो फिर सावित्री देवी कौन है? सुनिए जी मैं हूँ सावित्री देवी। नमस्कार नमस्कार, मैं आपको ही लेने के लिए आया हूँ। नहीं आए अभी तक नहीं आए, कहाँ मर गए दोनों? नहीं सुधरेंगे ये, नहीं सुधरेंगे। हाँ सर, हो सकता है ये बच्चे लोग ने उसे स्टेशन से ही भगा दिया होगा। नहीं नहीं मिसेस लोबो, बच्चों की अभी इतनी हिम्मत नहीं है। मालिक मालिक बच्चे आ गए। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। पूरे 15 मिनट लेट। मामा गाड़ी ही लेट थी। हम क्या करते, हम क्या करते? ड्राइवर मिसेस लोबो को बस स्टैंड तक छोड़कर आओ। जी साहब। थैंक यू सर। इट इज ओके। बाय बाय। बाय। ओह हेलो। हेलो। तो तुम नई गवर्नेस? हाय। ओह गॉड हेल्प यू, यू नो दिस चिल्ड्रन, दे आर सो नॉटी, दे आर डेविल्स। इन लोगों ने सब गवर्नेस को भगा दिया है, अभी हम भी भाग जाते हैं और तुमको भी भगा देगा। व्हाट? ओह तो हम गॉड के पास तुम्हारे वास्ते दुआ मांगेगा। मैडम मैडम इनकी बातों में मत आइएगा, ये बहुत झूठ बोलती है। अच्छा। चलिए हमारे साथ। नमस्ते आपसे। तो आप हैं सावित्री देवी, तुम चलो अंदर। आपके सफेद बाल तो आपकी ढलती हुई उम्र की कहानी कह रहे हैं, मगर आपका चेहरा कुछ और ही कह रहा है। इस कोरे रंग और खूबसूरती का राज क्या है? इमामी नेचुरली फेयर फेयरनेस क्रीम से सनस्क्रीन धूप तो ताप से बचाए, दूध खीरा नारियल पानी जड़ी बूटी। खामोश। बात ये है सावित्री देवी, मैंने जिंदगी में पहली बार। नमस्ते मामा जी। आओ बरखुरदार, तो तुम भी आ गए। पहले ये बताओ कि इतनी देर क्यों हुई, जब तुम भी इनकी ट्रेन पर आ रहे थे? आ तो रहा था, लेकिन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे गरीब लाचार बुढ़िया गुड़िया बुढ़िया अच्छा वो बेहोश गिर गई, वो मरने वाली थी। मैंने पानी तलाशा, नहीं मिला, मैं दौड़ा भागा कुएं से पानी लाया, उससे पिलाया, उसे तो होश आ गया लेकिन मेरे होश उड़ गए। इसी तरह मेरी ट्रेन छुट्टी, मैं रास्ते पे आया, जीप में बैठा, डायरेक्टली यहाँ पे आया हूँ। अच्छा किया अच्छा किया सावित्री देवी, ये है मेरा सबसे बड़ा भांजा विजय। नमस्ते करो। नमस्ते आंटी। नमस्ते भीमा जी। मालिक सावित्री देवी जी को इनके कमरे तक ले जाओ। अच्छा मालिक। क्या हुआ? ये तो होता ही रहेगा। Thank you.
आपके लिए गरम गरम चाय। आपका चेहरा। मेरा चेहरा? हाँ देखिए। समझ गया, बच्चों की ही शरारत होगी। क्या करें, उम्र ही ऐसी है। आप चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि आप ठीक ठाक तो है ना? जी बिल्कुल, आप आइए ना। अरे ये आपने मूड़ा क्यों उठा लिया है? मूड़ा? हाँ वो भी ऐसे, देखिए ना। ये तो चिपक गया है। चिपक गया है तो मैं छुड़ा देता हूँ। जी नहीं नहीं, नहीं तकल्लुफ की कोई बात नहीं। आप? जी नहीं, मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं सावित्री देवी, मैं हटा देता हूँ। आइए आइए। अच्छा? हाँ कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी, इतनी जोर से कैसे चिपक गया सावित्री देवी? पता नहीं, शर्म आ रही है। एक बस एक। कभी वीराने थे अभी गुलो गुलजार नजर आते हैं, बदले बदले दरो दीवार नजर आते हैं। क्या बात है, आप ठीक फरमाते हैं, मगर मेरे सरकार बहुत दिनों बाद नजर आते हैं। होती है कुछ मजबूरियां जिसमें इंसान जकड़ जाता है। वो क्या है कि अपनी वो विजू आई थी तो जरा उसको घुमाने फिराने में लगा हुआ था। विजू? कौन विजू? विजंती माला। विजंती माला? ये क्या कर रहे हो? लपेट रहा हूँ। तो मैं क्या फेंक रहा हूँ? हाँ सुबह से कोई और नहीं मिला। चल सच बता, कौन थी वो? मैं सच बोलूँ यार? अरे बता बता, तू चौधरी रणबीर सिंह से झूठ मत बोल, चल बता। किसी को बताएगा तू? नहीं, तू नहीं। ललिता पवार, जनाना महक, औरत की खुशबू, मोहब्बत की तड़प, क्या माल है यार। चुप, बच्चों की नई गवर्नेस है सावित्री देवी। सावित्री देवी? नमस्ते सावित्री देवी। नमस्ते। मेरा नाम नसीब कुमार है, आप तो मुझे जानती होंगी। मैंने आज तक चार पांच सौ फिल्मों में काम किया है एज हीरो। मैंने तो हजारों फिल्में देखी हैं, आप कहीं नजर नहीं आए। किसी कोने में भी नहीं? जी नहीं। असल में कसूर आपका नहीं है। क्या मेरी फिल्में जो है ना, पहले दिन थिएटर में टिकट नहीं मिलती और दूसरे दिन थिएटर में फिल्म नहीं मिलती है। मैं चलती हूँ। थिएटर में? जी नहीं, पढ़ाने। ओह, मैं भी चलता हूँ। इधर हो क्या था? उधर बैठो। उधर क्या? आओ आओ, बहुत बोर आदमी है यार। चलो गुड़िया, अपना होमवर्क दिखाओ। बिट्टू कहाँ है? आता ही होगा। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, बैठो। आज मैं तुम्हें इतिहास पढ़ाऊंगी। भारत की एक वीर नारी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में बताऊंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने न जाने कितने फिरंगियों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसी ही वीर नारियों की वजह से भारत देश का नाम संसार में ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। वो नीचे आ रहा है। कभी नहीं आ सकता। वो तो नीचे आ रहा है। मैंने कहा ना नहीं आ सकता। वो तो आ गया। वो क्या? वो आपकी साड़ी पर। साड़ी पर? क्या हुआ? कहाँ जा रहा, सीधे खड़े? कीड़ा, वो कीड़ा। कीड़ा? कौन सा कीड़ा? किसकी हिम्मत जो मुझ पर चढ़ जाए? वो
हटाओ हटाओ हटाओ। आहिस्ते आहिस्ते, क्या करता है यार? नकली है, डरपोक चू चू कर रहा है। नकली है, किसने किए शरारत? मैं पूछता हूँ किसने किए शरारत, बताओ। ठहर, मैं पूछता हूँ यार। बेटा डरो मत, बोलो। मामा कुछ नहीं करेंगे। मामा तो आज बहुत कुछ करेंगे। चौधरी साहब, कुछ भी करने से पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए। आपने जो मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी है उसे कैसे निभाना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे और बच्चों के बीच आप बिल्कुल दखल नहीं देंगे। आप मुझे समझा रही हैं सावित्री देवी, मुझे चौधरी रणबीर सिंह को? ठीक कर रही हैं, ठीक है। अरे क्या ठीक कर रही हैं यार, जहाँ देखो छोटी आंख बना के झगड़ा शुरू कर देता है। चल। सॉरी आंटी, हमें माफ कर दीजिए आंटी। आइंदा ऐसी शरारत मत करना। नहीं करेंगे आंटी, कभी नहीं करेंगे आंटी। है वो कयामत। ये कौन सी कयामत है यार? पहली मर्तबा लानत है यार। कुमार साहब, नहीं नहीं मतलब प्रताप सिंह जी, आप कैसे जाना हुआ? हाँ जी, नहीं मतलब कैसे आना हुआ? मैं आप ही का इंतजार कर। अच्छा तो जाइए। हैं? नहीं मतलब बैठिए। कुमार साहब जी, आपके इस एक्टिंग स्कूल को देखकर मुझे बड़ा दुख हो। क्या मतलब? अरे नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। आप जैसे मशहूर और महान कलाकार की इस जमाने में कोई कदर ही नहीं। बेदर जमाना क्या जाने, लेकिन हम आपका दर्द जानते हैं। अच्छा? इसलिए हम चाहते हैं कि इस एक्टिंग स्कूल की गिरती हुई दीवारों को एक मजबूत इमारत में बदल दें और सामने बोर्ड लगा दें, वो भी बड़ा सा, कुमार एक्टिंग स्कूल। क्या आप नहीं चाहते? अरे हुजूर बोलिए ना। मैं नहीं चाहते, बिल्कुल चाहते हैं, मगर ऐसा होगा कैसे? ऐसे होगा सिर्फ एक परमिशन से, वो भी चौधरी साहब की। चौधरी साहब की परमिशन? उसका मेरे स्कूल से क्या लेना देना, मैं समझा नहीं। सर मैं समझाता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरी फैक्ट्री बंद होने से मुझे कितना नुकसान हो रहा है, करोड़ों रुपए के ऑर्डर्स रुके पड़े हैं। तो अगर आप परमिशन पेपर्स पर चौधरी साहब के दस्तखत करा दें तो मैं इस सारे एक्टिंग स्कूल को पूरा। रुकिए रुकिए रुकिए, अरे मैं अब जाके समझा। अरे क्या आदमी है यार। तो इसमें मैं एक राय देता हूँ। हाँ दीजिए ना। अगर मेरी राय आपको पसंद नहीं आए तो बुरा मानना। नहीं जी, क्या बात कर रहे हैं। नहीं मानना, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। क्या है कि ये कुमार ने है ना सारी जिंदगी अपनी एक्टिंग बेची है, अपना जमीर नहीं बेचा है, इसलिए अपना मुंह काला कीजिए और यहाँ से बाहर जाइए। चलिए चल। ये विलन वाली एक्टिंग मुझे मत करके देखो, मेरे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे इससे अच्छी एक्टिंग करते हैं। चलो निकले बात, चल 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 हट। बताओ हम दुनिया को एक्टिंग सिखाते हैं या हमको बेईमानी सिखा रहा है? एक्टर को बेईमान कभी नहीं। भैया भैया, वो नई आंटी कितनी अच्छी है। हाँ तुम लोग शुरू शुरू में हर किसी के बारे में ऐसे ही बोलते हो, फिर खुद ही भगा देते हो। हम उन्हें कभी नहीं भगाएंगे। मैं नहीं मानता। आप ठीक कहते हैं भैया, हम उन्हें जरूर भगाना चाहते थे, इसीलिए तो मैंने तौलिए पे काला रंग लगा दिया था। अच्छा? और मैंने मूड़े पर फेविकॉल लगाया था, और मैंने कल बिच्छू भी छोड़ दिया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने मामा जी से शिकायत नहीं की? शिकायत तो छोड़ो भैया, आंटी ने तो हमें मामा जी की डांट से भी बचा लिया। भैया न जाने क्यों आंटी को देख के माँ की याद आती है। अरे हाँ याद आया, मैंने माँ की तस्वीर को फ्रेम करवाया है। ये कितनी प्यारी फोटो है ना भैया, इसे वहाँ लगा दो। अच्छा लगा देता हूँ। ठहरो, किससे पूछ कर ये तस्वीर लगा रहे हो? हाँ अपनी माँ की तस्वीर लगाने के लिए भी किसी की इजाजत लेनी पड़ती है? हाँ इजाजत लेनी पड़ती है, वो भी मुझसे। कान खोल कर सुन लो, इस घर में कोई ऐसी तस्वीर नहीं लगेगी जो मेरे जख्मों को हरा कर दे, समझे? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी। माँ, जिस भाई ने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया, तुम्हारे जज्बात की कदर नहीं की, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। नहीं बेटे, जरा बिट्टू और गुड़िया की तरफ तो देख, इनकी तो सोच, अपनी नफरत की आग की लपटें इन बच्चों तक ना पहुंचने दे। मेरे लाल, मेरे लाल,
मुझे वचन दे, मुझे वचन दे कि तू अपने मामा के यहाँ जरूर जाएगा, जाएगा ना? देख, देख मेरी आखिरी सांसें तेरी हाँ का इंतजार कर रही हैं। बोल, बोल बेटे। हाँ माँ, मैं जरूर जाऊंगा, मैं तुझे वचन देता हूँ। जिस भाई के लिए तूने इतना प्यार, इतनी श्रद्धा अपने में समेटी रखी, उसे कभी तेरी याद नहीं आई? मां, मैं तेरी कसम खा के कहता हूं कि जब तक मैंने मामा के दिल में तुम्हारे प्यार की लौ से उजाला ना कर दिया, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मां, तूने ये वचन लेकर किस अग्नि परीक्षा के पद पर खड़ा कर दिया मुझे। आप इत्मीनान रखिए, चौधरी रणबीर सिंह किसी भी कीमत पर दस्तखत नहीं करेगा। और रही बेरोजगार मजदूरों की बात, तो उन्हें मेरे फार्म पर भेज दीजिए, उन्हें दो वक्त की रोटी देने से मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। और मजदूरों के मन में प्रताप सिंह की फैक्ट्री को खुलवाने की बात भी नहीं आएगी। और कुछ नहीं चौधरी साहब, और कोई खास बात नहीं। अच्छा अच्छा, तो हम चलते हैं। अच्छा, नमस्ते। आइए आइए सावित्री देवी, कहिए क्या काम है जी? बात यह है कि बोलिए बोलिए, संकोच मत करिए जी। मैं सोच रही थी शाम को वैसे भी मेरी यहाँ जरूरत नहीं होती, तो क्यों ना मैं घूम घाम करा जाए करूँ, नई नई जगह है तो। हाँ हाँ, शौक से जाइए, लेकिन रात को खाने के वक्त 9 बजे जरूर आ जाइए, यह हमारे असूल है जी। मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे भी आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू। थैंक यू। सोनिया मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? पहले से ठीक हूँ बेटी, आपिता बहन मेरा बहुत ख्याल रखती है। हेलो मिसेस खन्ना। हेलो सोनिया। हेलो। गुड गुड प्रोग्रेस, लगता है आपको यहाँ की आबो हवा रास आ गई है। ये सब आप लोगों की देखभाल और मेहनत का नतीजा है डॉक्टर। नर्स? यस डॉक्टर। कंटिन्यू द सेम ट्रीटमेंट। यस। ओके, मैं अभी आई। डॉक्टर? हाँ माँ, पूरी तरह से तो ठीक हो जाएंगी ना? घबराने की कोई बात नहीं, कुछ नई दवाइयाँ लिख दी हैं, अगर उन्हें दी जाए तो बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। मगर मगर क्या? दवाइयाँ कुछ महंगी हैं। मैं बंदोबस्त करूंगी। दैट्स गुड। इसका मतलब इस नौकरी के अलावा मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा। वैसे तो देश के सभी नृत्य हम अपने शिष्यों को खुद ही सिखाते हैं, लेकिन आजकल के नवयुवक नवयुवतियों की इच्छा को देखते हुए हम पाश्चात्य नृत्य कला की क्लासेस भी शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए मेल इंस्ट्रक्टर की जगह आपको चुन लिया गया है। थैंक यू सर। बस एक महिला की तलाश जो बालिकाओं को नृत्य सिखा रखे, मिल जाएगी मिल जाएगी। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। चलिए, परंतु कल से आना मत भूलिएगा। नमस्ते। अच्छा अच्छा, बाय। मेल इंस्ट्रक्टर। नमस्ते। उसे मैंने चुन लिया। अरे सर सर सर। अरे आपको तो मैंने कल बुलाया था सर। लेकिन आप उसे अभी बुला लीजिए। किसे? अरे वही महान डांसर जो अभी अभी बाहर गई है। चली गई? हाँ, आप नहीं जानते, जब वो हाथ ऐसे लहराती है तो सैकड़ों घायल, जब वो पैर ऐसा मारती है तो लाखों बेहोश, जब वो झटका ऐसे लेती है
तो लाखों की दिलों की धड़कन रुक जाती है। रुकी हुई धड़कन तो वापस आ जाती है, लेकिन जब वो जाती है तो वापस नहीं आती। जाइए जाइए, उसे रोके ना। जाइए ना, हटिए हटिए। अरे अरे, अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। क्षमा कीजिए देवी, क्षमा कीजिए इस नेटवर्क की बड़ी भूल को, जो इस देश की महान नृत्यांगना को अपने ही अंगना में पहचान नहीं सका। आशा है इस बात का बुरा न मानते हुए कल से ही आप अपने चरण कमलों से पधारकर मेरे विद्यालय की शोभा बढ़ाएंगी। नहीं बढ़ाएंगी तो न रहेगा नटवर, न रहेगा लाल। मौन तोड़िए, मुख से बोलिए। पाएंगी ना, पाएंगी ना? जी हाँ, आऊंगी, जरूर आऊंगी। प्रार्थना स्वीकार हुई, देवी प्रसन्न हुई, जीवन सफल हो गया। धन्यवाद धन्यवाद देवी, धन्यवाद धन्यवाद। ये डांस मास्टर है या घनचक्कर है? इसका तो कुछ चक्कर समझ में नहीं आया। पहले तो साफ मना कर दिया, फिर कहता है कल ही आ जाओ। अचानक की मेहरबानी क्यों? हमको दुआएं दीजिए, इस काबिल बना दिया। तो आप हैं इसके पीछे? जी हाँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि अचानक की मेहरबानी क्यों? Very simple, I love you. But I hate you. अरे but I love you. She loves me, she hates me. She loves me, she hates me. She loves me, she hates me. She loves me, she. क्या है बरखुरदार? लोग सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम लेते हैं, तुम लव हेट की माला जप रहे हो। एक आशिक के लिए अपनी महबूबा को याद करना भगवान को याद करने के बराबर होता है। मगर ये तो पता चले कि वो कौन शर्मिली है जिसने हमारे भांजे का दिल लिया और दर्द दिया। वही तो। अरे यार, ये सरदर्द कहाँ से आ गया? कौन है ये? प्रताप सिंह अब वो नहीं रहा चौधरी साहब, आप मेरा यकीन कीजिए। मुझे एक मौका, सिर्फ एक मौका और दीजिए, ताकि मैं साबित कर सकूं कि आपकी तरह मैं भी एक अच्छा नागरिक हूं। भेड़ की खाल पहनने से भेड़िया भेड़ नहीं हो जाता। चौधरी साहब, आप मुझे अभी भी गलत समझ रहे हैं। मुझे तो उन मजदूरों की चिंता है जिनका घर सिर्फ मेरी फैक्ट्री पर चलता है। अगर आप दस्तखत कर दे तो कभी नहीं मिल सकते। तो फिर उन मजदूरों का क्या होगा? तुम्हें उन मजदूरों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मजदूरों की आड़ लेकर फिर तुम अपने पुराने काले कारनामे करोगे। गरीबों के पेट की आग को अपने गुनाहों के छींटों से बुझाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज ऐसा करने नहीं दूंगा। आज तो तुमने यहाँ आने की जरूरत की, आइंदा मेरी चौखट पे कभी कदम मत रखना। निकल जाओ यहाँ से। अफसोस, आप हमारे प्यार की भाषा समझ नहीं पाए। क्या कर रहा है? पैर खुजाना, और क्या कर रहा हूँ। बहुत अच्छा किया, इस साले को झिड़क के तुमने साबित कर दिया कि दुनिया में हर शेर का सवा शेर होता है। मगर ये ताला खुलेगा कैसे? जब चौधरी रणबीर सिंह पेपर्स पर सिग्नेचर कर देगा। चौधरी? Who is this चौधरी? यहाँ का सबसे बड़ा आदमी, लेकिन हमें मालूम है कि वो सिग्नेचर इतनी आसानी से नहीं करेगा। Then kill him. खत्म कर दो उसे। आपने कह दिया और हमने सुन लिया मिस्टर जेम्स। ये काम तो हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन चौधरी नाम की दीवार को गिराना इतना आसान नहीं है। और अगर गिरा भी दिया तो उसके मलबे के नीचे दबकर हम सब जिंदा दफन हो जाएंगे। तो ठीक है, आप दफन हो जाइए। ब्लैक आई अपनी बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए ये डील किसी और नहीं को देंगे। ये डील हम ही करेंगे। ब्लैक आई से कहकर हमें एक मौका और दिलवाओ। फिलहाल उन्होंने एक महीने का टाइम दिया है। एक महीना यानी कि 30 दिन। तब तक कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। क्या बात है, आज पढ़ने का मूड नहीं है क्या? तो फिर किस चीज का मूड है बताओ। Come on. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the things that make me. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
आंटी आप तो बहुत अच्छा डांस कर लेती हो। चलो हम भी आपके साथ डांस करते हैं। Let's tell it like it is and how it could be. How it was and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice. Pick up the needle, press pause, or turn the radio off. All right, come on, spin. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and women. Let's talk about... Ramu, Gopal, Champa, Bhima, kahan mar gaye sabke sab? Let's talk about sex, little baby. Let's talk about sex. Let's talk about... Make any man's eyes pop. She uses got to get what she don't got. Fellas droop like fools, but then again, they're only human. The chick was a hit because her body was booming. Gold, pearl, rubies, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her date, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No one was too great for her to get with or even mess with. The crush she says was next on her list. And believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag. Out! बंद करो ये बकवास। तो ये पढ़ाती आप बच्चों को, इसी बात की तंखा लेती हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको। ये कोई उम्र है नाचने गाने की? ये गीत, ये संगीत जिंदगी के दुश्मन है, दुश्मन। चौधरी साहब, आपके सोच विचार पर मुझे ताज्जुब हो रहा है। आप नाचने गाने को जिंदगी का दुश्मन समझते हैं? आप समझते हैं कि डर और नफरत के साए में जिंदगी पलती है? तो आप गलत समझते हैं। ऐसे माहौल में इंसान जी तो सकता है, मगर सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर। सावित्री देवी, कभी खुद को देखा आईने में? गौर किया है कैसे क्या हो गए आप? बुढ़ापे से पहले ही बुढ़ापे का चोला ओढ़ लिया आपने। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी पर उदासी का कफन डाल दिया है। चौधरी साहब, आपको अभी तक जीना नहीं आया। जीना सीखिए चौधरी साहब, जीना सीखिए। अपनी वीरान सी जिंदगी में प्यार के फूल खिलाइए, फिर देखिए कि जिंदगी कितनी हसीन, कितनी रंगीन है। हर तरफ प्यार ही प्यार होगा। जीना सीखिए चौधरी साहब, जीना सीखिए। अपनी वीरान सी जिंदगी में प्यार के फूल खिलाइए, फिर देखिए कि जिंदगी कितनी हसीन, कितनी रंगीन है। हर तरफ प्यार ही प्यार होगा। चौधरी, ये क्या भूतकाल का चौधरी? वही चेहरा, वही रंग, वही नक्शा। ये चौधरी की नाजायज औलाद है। पट्टे ने मुझसे राज छुपा के रखा, अपने दोस्त से। अभी पूछता हूँ। चौधरी, चौधरी सामने आओ। नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मैं तेरे पीछे खड़ा। अरे पीछे बैठ। तू चौधरी? नहीं, मैं चौधरी हूँ। मैं समझा के तू क्या बंडल मारता है बे? तू कहाँ से चौधरी हुआ? तू इतना जवान कैसे होगा? तू तो बचपन में इतना जवान नहीं था। बस हो गया। कैसे हो गया? तू 20 साल पीछे कैसे चला गया? क्योंकि मैं 20 साल फास्ट फॉरवर्ड हो गया था। तू क्या बंडल मारता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। मुझे हो गया है। क्या? इश्क। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
मिस्टर, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी नहीं, आप मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। जी नहीं, आप 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 नहीं 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 अरे 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 क्या समस्या है आप दोनों की? इनकी वजह से मेरे स्टूडेंट्स को परेशानी है। जी नहीं गुरु जी, इनकी वजह से मुझे कष्ट हो रहा है। कष्ट हो रहा है? न कष्ट आपकी वजह से इनको हो रहा है, न इनकी वजह से आपको हो रहा है। कष्ट है वहाँ। Ugh.
दीजिए। पाए लागू। हाय कान में ये सुंदर बाली। जी कल ही डाली। विजय हमें ये तनिक भी अच्छा नहीं लगा। क्या यही कि उस महान नृत्यांगना ने हमारे ही अंगना में वो भी समस्त विद्यार्थियों के समक्ष आपका अपमान किया, घोर अपमान किया। यही सोच सोच कर हम रात भर सो नहीं सके। सो तो मैं भी नहीं सका। सच सच वो अपने आप को समझती क्या है? सरियल बिल्कुल, मरियल बिल्कुल, छिपकली। मैं चला पतली गली। नहीं मुआ, सारे ही मर्द एक जैसे होते हैं। चाह रहे हैं ना? धन्यवाद गुरुजी। मैं यहाँ इनकी तारीफ सुनने नहीं, इनकी शिकायत करने आई हूँ। शिकायत? इनकी शिकायत? जी हाँ, अगर ये मुझे इसी तरह डिस्टर्ब करते रहे ना तो मैं अपनी लड़कियों को कुछ नहीं सिखा सकूंगी। मैं नौकरी छोड़ दूंगी। नहीं नहीं देवी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। कुछ तो इनके बाल बच्चों का ख्याल कीजिए। हाय आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वरना हमारे इमामी शो का क्या होगा जो हम आपके भरोसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया प्यार से रहिए, हिल मिल कर रहिए। नहीं तो मैं कब से समझा रहा हूँ। समझ जाइए समझ जाइए। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज आपके सामने नटवर नृत्यालय के कलाकारों द्वारा एक दिलकश प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। जी जी जी, ओके ओके ओके। हम आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं न्यू इमामी नेचुरली फेयर फेयरनेस क्रीम और फेयरनेस लोशन बनाने वाली कंपनी के, जिनके सहयोग से आज आपके सामने ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तो आइए आज की शाम इमामी के नाम।
नमस्ते 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 नमस्ते। दिल चुरा के ले जाऊंगा मैं तो हंसते हंसते। नमस्ते 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 नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आप लोग ये जानने के लिए बेचैन होंगे कि आज के इमामी शो के विजेता कौन है। तो वो है नटवर नृत्यालय के कलाकार विजय सोनिया और उनके साथी। जिनको इनाम देंगे भारत के मशहूर फिल्म स्टार अनिल कपूर। अबे ठहरना, अरे वो मेरा शागिर्द है, इसको मैंने एक्टिंग सिखा, साला मेरे कपड़े, अबे ये कपड़ा फट जाएगा, अबे क्या आदमी है। आइए आइए अनिल साहब, आइए, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक और बार जोरदार तालियां अनिल साहब के नाम। और अब इमामी का तोहफा विजय और सोनिया के नाम। रिहर्सल भी बहुत की ना। अनिल कपूर जी आ गए तो और मजा आ गया। या ही वाज लुकिंग वेरी हैंडसम यार। लो फिर ये मुसीबत आ गई, अब क्या करोगी? हट जाओ मेरे रास्ते से, चल बस आगे चल। ओह कम ऑन लेट्स गो, हरी रुको, मैं कहती हूँ हट जाओ। कैसे हट जाओ, जब रास्ता भी तुम हो और मंजिल भी तुम, प्यार करने वाले कभी पीछे नहीं हटते। बकवास मत करो, तुम्हें हटना ही होगा नहीं तो मेरी बस मिस हो जाएगी। बस बस तो और भी मिल जाएगी, लेकिन अगर मुझ जैसा आशिक मिस हो गया ना तो सारी जिंदगी पछताती रहोगी। माय फुट। ओह नो, मेरी बस। अरे अरे स्टॉप द बस। हाय सोनिया। हाय मिस्टर प्रताप सिंह। ओह मिस्टर प्रताप जी, हाउ आर यू? मैं तो ठीक हूँ, कहाँ जा रही हैं आप? मैं घर तक। तो आइए मैं छोड़ देता हूँ। रियली? या आइए। हाउ स्वीट ऑफ यू। वाह सोनिया वाह, क्या डांस किया तुमने, तुम्हारे ये पैरों की थिरकन ने न जाने कितनों पर बिजलियां गिराए। थैंक यू। तुम्हारी ये नशीली आंखें, ये गुलाबी होठ और ये संगमरमर जैसा बदन, लगता है ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से तराशा है तुम्हें।
आप होश में तो हैं? अजी मेरी बात छोड़िए, अगर आज वो भी होता ना तो बेहोश हो जाता। अरे अब मेरा घर तो उस तरफ है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? जन्नत की सैर कराने डालेंग। गाड़ी रोको। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। गाड़ी रोको। कैसे रोको डालेंग? ये तो अपनी जगह पर ही जाकर रुकेगी। जा मेरी बाहों में मेरी डालेंग। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। कैसे छोडूं? थैंक यू वेरी मच। अगर तुम नहीं होते तो मुझे घर तक छोड़ देंगे? प्लीज प्लीज। जैसे तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। थैंक यू। ओके बाय। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। तुम क्या जानो सोनिया, इस दर्द को पाने के लिए मैंने कितने दर्द सहे। Thank you.
जानती हूँ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? कितना? जितना शाहजहां ने मुमताज महल से किया था। रियली? झूठा कहीं का। मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब तुम मरोगी ना तो मैं तुम्हारी याद में भी एक ऐसा ही ताजमहल बनवाऊंगा। सच? ताजमहल माय फुट। जरूर ताजमहल चाय की बात कर रहा है। चाय पियोगी ना? नो। नहीं। हाँ, अब खामखा चाय पीने में क्यों टाइम बर्बाद करें? चनमन, तुमसे लिपटने को दिल तड़पता है। हाँ। लिपटती हूँ मैं तुमसे आके। गया कहाँ? Yes, sweetheart. I love you. I'm crazy. Oh, my God. I love you. I'm crazy about you. Oh my God. Oh my God. I love you. क्या कर रही हो? पहले मुझे बचाओ तो सही। कहाँ है वो चीपो? चीपो? Yes, that bitch. Bitch? कौन सी bitch? That bitch. वो चुड़ैल जिसके लिए तुम ताजमहल बना रहे थे। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उसका मुंह नोच लूंगी। उसका खून पी जाऊंगी मैं। I'll kill her. कहाँ छुपा रखा है उसे? वहां जहां तुम क्या तुम्हारी नजर भी नहीं पहुंच सकती। क्या मतलब? अपने दिल में। You liar, you cheat. I hate you. Stop it, Sonia. ये जलन ये तड़प ये सब किस लिए? कहती क्यों नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार करती हो? That you love me. You love me. I love you. Sonia. से कम इतना कहा होता के होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। कम से कम इतना कहा होता के होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है।
से कम इतना कहा होता के होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। छुपा के क्यों रखा था तूने ऐसे हंसी जज्बात को, ओ, दिल में छुपा के क्यों रखा था तूने ऐसे हंसी जज्बात को, होठों पे जो भी आए कह देना मुझसे अब ना छुपा। कम से कम इतना कहा होता के होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। कम से कम इतना कहा होता के होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। ये दर्द सहा नहीं जाए और बिन कहे भी रहा नहीं जाए। मेरी समझ में कुछ कुछ आए, मची है ये क्यों हाय हाय, प्यारे यही तो इश्क कहलाए। तो फिर करो कोई उपाय। ऐसा करूंगा मैं उपाय कि हुस्न इश्क के पीछे पड़ जाए। हाय हाय। इधर देखने का भी एड्रेस भूल गया क्या? ऐसे गैलरी में लटकने से कुछ नहीं होगा, डू समथिंग। हम लोग जिस मौके की तलाश में थे वो आज आ गया, घर में कोई नहीं है।
शुरू हो जाओ मैं डियर, वो है नियर। लेकिन मैं कैसे जाऊं नियर? अरे यार पुट योर गाड़ी इन गियर। अरे मेरी तो अभी से जान निकली जा रही है मगर। ना यार ऐसा थोड़ी चलता है, तू आगे बढ़ मैं पीछे का मैदान संभालता हूँ। कुमार, कुमार चल शुरू हो जा, शुरू हो जा। अबे चलना कैसे आदमी तू? मेरे महबूब तुझे मेरे मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आंखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा कुमार। वो तो जा रही है वो देख। हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। अभी न समझो उठाओ न खंजर, अभी न समझो उठाओ न खंजर, कहीं मुड़ न जाए तुम्हारी कलाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। बोल राधा बोल संगम, 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 अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे लानत है यार। अरे हाँ हाँ, मेरे मामा चौधरी रणबीर सिंह को एक गरीब औरत सावित्री देवी से प्यार हो गया है जो उन्हीं के घर में काम करती है। क्या गरीब होना गुनाह है? ये सवाल मुझसे नहीं, मेरे मामा से पूछो। सोनिया, जिसने अपनी इकलौती बहन को किसी गरीब आदमी से प्यार करने के जुर्म में अपने दिल से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। तेरे प्यार में क्या क्या ना बना डर। ये क्या अंकल? ये मीठी मिठाई। मीठी मिठाई दो ना भांजे, ये सब तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, मेरे लिए, लेकिन किस खुशी में? ये खुशी की नहीं, ये दुख की मिठाई। दुख की मिठाई रख दीजिए अंकल। हाँ। खुशी में तो लोगों को मिठाई खिलाते हुए सुना था, मगर ये दुख की मिठाई। कुछ दुख ऐसे होते हैं बेटा जिनका इलाज दवाई से नहीं बल्कि मिठाई से होता है। जैसे? जैसे तेरे मामा को दुख, तेरे मामा को दुख, तेरा दुख, तेरा दुख, मेरा दुख, बस मेरा वहीं दुख। रुक। अच्छा रुकिए, पर एक वादा करना, तू मेरी मदद करेगा ना? अगर मेरे बस में तो जरूर। अरे तेरे ही बस में, जैसे तूने वो नमस्ते वाली को अपने बस में किया था ना। हाँ। तो मुझे कोई ऐसा नुस्खा बता कि तेरे मामा सावित्री देवी की प्यार की बाउंड्री तक पहुँच जाए। बस अंकल, मैं ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि मामा दौड़ते हुए सावित्री देवी के प्यार की बाउंड्री पार कर जाएंगे। आ,
लगता है आपकी जवानी को किसी की नजर लग गई है। आए आए लग गई। सावित्री देवी, आज सुबह उठकर मैं सबसे पहले आप ही का चेहरा देखना चाहता था। किस लिए? वो इसलिए कि आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। ओह, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, सावित्री देवी जी, आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। जी कहिए। आपकी आज की शाम मेरे नाम। आप, आपके नाम? आज मैं अपनी जन्मदिन की पार्टी जिंदगी में पहली बार दे रहा हूं, जिसमें आपका होना बहुत जरूरी है। अरे विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घास कर रहा हूँ, घास। क्या? नहीं, मैं तो बस। लगता है तुम किसी का इंतजार कर रहे हो। मैं? नहीं, नहीं तो? तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, तुम जरूर किसी का इंतजार कर रहे हो। आप ठीक कह रही हैं। सोनिया भी आती ही होगी। सोनिया? हाँ, वही जो मुझे प्यार करती है। और तुम? हाँ, मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, मैं चलती। अरे थोड़ी देर रुक जाइए ना, इसी बहाने आप भी उसे मिलेंगी। मेरे होते हुए वो नहीं आ सकती। हा? क्या मतलब? मैं बुढ़ी, मेरा मतलब है बुजुर्ग हूँ ना। हाँ। शर्मानी जाएगी। फिर भी अगर आप थोड़ी देर रुक जाती तो। रुक तो जाती मगर बहुत देर हो जाएगी। अच्छा, देर तो वैसी हो गई है। क्या हुआ? अरे तुमने आने में थोड़ी देर कर दी। हाँ, वो आंटी के काम में उलझ गई थी। अच्छा, अगर तुम थोड़ी देर पहले आती तो मैं तुम्हें सावित्री देवी से मिलाता। क्यों, कुछ काम था? हाँ, क्योंकि अगर तुम्हें देख लेती ना तो समझो कि हमारा मामला फिट और हिट था। सच? हाँ, क्योंकि मामा उनकी बात कभी टाल नहीं सकते ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, आज मामा ने रात को तुम्हें पार्टी में बुलाया है। मेरा आना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। क्यों, एनी प्रॉब्लम? कहो तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? नहीं नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। ये हुई ना बात, चले। मुझे कुछ कहना है आपको, आई हैव नेवर बीन इन लव बिफोर। मुझे कुछ कहना है आपको, आई हैव नेवर बीन इन लव बिफोर। पर अब तो ऐसा लगता है ये जिंदगी तेरे बिना कटेगी नहीं। पर अब तो ऐसा लगता है ये जिंदगी तेरे बिना कटेगी नहीं। मुझे कुछ कहना है आपको, आई हैव नेवर बीन इन लव बिफोर। मुझे कुछ कहना है आपको, आई हैव नेवर बीन इन लव बिफोर। पर अब
कुछ कहना है आपको, I have never been in love before. रातों को नींद नहीं आती है, दिन को करार नहीं आता है. रातों को नींद नहीं आती है, दिन को करार नहीं आता है. तेरे सिवा मेरे दिल को किसी पे प्यार नहीं. कहना है आपको, I have never been in love before. कहना है आपको, I have never been in love before. मुझे कुछ कहना है आपको, I have never been in love before. पर अब तो ऐसा लगता है ये जिंदगी तेरे बिना कटेगी नहीं. मुझे कुछ कहना है आपको, I have never been in love before. दुनिया है मेरी वही,
मुझे कुछ कहना है आपको, आई हैव नेवर बीन इन लव बिफोर, मुझे कुछ कहना है आपको, आई हैव नेवर बीन इन लव बिफोर, पर अब तो ऐसा लगता है ये जिंदगी तेरे बिना कटेगी नहीं। कहना है आपको, I have never been in love before, मुझे कुछ कहना है आपको, I have never been in love before, पर अब तो ऐसा लगता है ये जिंदगी तेरे बिना कटेगी नहीं, पर अब तो ऐसा लगता है ये जिंदगी तेरे बिना कटेगी नहीं, पर अब तो ऐसा लगता है तेरे बिना कटेगी नहीं। सावित्री देवी, तो आप हैं सावित्री देवी, चौधरी साहब की खास मेहमान, क्यों ठीक कहा ना मैंने? लेकिन इस वक्त आप यहां, आपको तो घर पे होना चाहिए था। सचमुच मेकअप बहुत अच्छा कर लेती हैं आप, लेकिन कमबख्त ये जुल्फें धोखा दे गई आपको, इन्हें छुपना नहीं आया। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं, ये राज प्रताप सिंह तक ही रहेगा मिस सोनी, बस इसकी एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ेगी। कल शाम को 6 बजे होटल हिलव्यू में आ जाइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। मजबूर और जरूरतमंद इंसान को अपने किए गए वादों का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। क्या गहरी चाल चली है तुमने, एक तीर दो निशाने, वही मान गए तुम्हें, एक तरफ चौधरी और दूसरी तरफ कहीं विजय से सचमुच इश्क तो नहीं हो गया तुम्हें? इश्क? अच्छा मजाक कर लेते हैं आप, वैसे अगर जेब भरी हो तो इश्क का अपना ही नशा होता है, और अगर जेब खाली हो तो कोई नशा असर ही नहीं करता। हम तुम्हारी जेब दौलत से भर दें तो तीर भी तुम्हारा और निशाना भी। खूबसूरत होने के साथ साथ अकलमंद भी हो तुम। आज से तुम्हारी अकलमंदी प्रताप के पास गिरवी रहेगी, इन परमिशन पेपर्स पर चौधरी के दस्तखत करवाकर जब चाहो अपनी अकलमंदी छुड़वा सकती हो। काम तो हो जाएगा प्रताप, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तुम कहती हो तो इंतजार भी कर लेंगे, तो चलें। चलिए। लिफ्ट बाय। नया प्यार मुबारक हो विजय। तुम क्यों हैरान होगी मुझे देखकर? तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि सच्चाई का सामना इतना जल्द हो जाएगा। हा? तुम गलत समझ रहे हो मेरा मतलब। मैं तुम्हारे हर मतलब का मतलब समझता हूँ सोनिया। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारे इस राज पर हमेशा पर्दा पड़ा रहेगा,
लेकिन आज पर्दा उठ गया, हकीकत सामने आ गई। तुम्हारा प्यार इतना सस्ता है कि प्रताप सिंह जैसे लोग भी खरीद सकते हैं। नहीं विजय, तो मैं नहीं जानता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे कैसा चेहरा छुपा हुआ है जिसका ईमान धर्म सिर्फ पैसा है। आई हेट यू। Thank you.
कह दिया ना खाना नहीं खाना, खाना वापस ले जाओ। क्या हुआ? खाना नहीं खा रहे। लाओ मुझे तो। तुम अभी तक गए नहीं? आप खाने से क्या नाराजगी? कहीं तुम्हारा सोनिया के साथ? मत लीजिए उस बेवफा का नाम मेरे सामने। नफरत है मुझे उससे। उसने मेरे दिल को ऐसी ठेस पहुंचाई है कि मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, उस कमीने प्रताप सिंह के साथ। नहीं मुझे वो लड़की ऐसी नहीं लगती। कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती है। हम जो देखते हैं वो सब सच नहीं होता। या तो उसकी कोई मजबूरी होगी। मजबूरी? ऐसी कौन सी मजबूरी जो प्यार को बेवफा होने पे मजबूर कर दे? तुमने कभी सच्चाई को जानने की कोशिश की? उसे कभी पूछा? हो सकता है कि जो तुम समझ रहे हो उसका कोई दूसरा पहलू भी हो। मुझे वो लड़की ऐसी नहीं लगती। कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। हम जो देखते हैं वो सब सच नहीं होता। या तो उसकी कोई मजबूरी होगी। सोनिया, सोनिया, आंटी, ये सब क्या है? विजय, बेटे, तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब नेहरू हॉस्पिटल के रूम नंबर 9 से मिल सकता है। परेशानी नहीं होगी तो क्या होगा मुझे? तुम बेटी होकर सब कुछ छुपाती रही मुझसे। माँ होकर माँ का हक भी नहीं दिया तुमने। अपना दुख, अपनी परेशानी भी नहीं बांटी मुझसे। आबिदा बहन ने सब कुछ बता दिया है मुझे। इस बीमार बुढ़िया को बचाने के लिए तुम्हें खुद बुढ़िया बनना पड़ा। छोड़ के चादर ओढ़ कर माँ का इलाज करवाती रही तुम। नहीं करवाना मुझे अपना इलाज, नहीं रहना मुझे यहाँ पर। प्लीज माँ ऐसा मत करो, प्लीज। बेटी, कम से कम विजय को तो बता दिया होता। मैंने बहुत कोशिश की माँ, मगर वो कुछ सुनने को ही नहीं तैयार। चल मुझे उसके पास ले चल, मैं दूंगी उसे तेरी बेगुनाही का सबूत। तो चिंता मत कर माँ, मौका मिलते मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। प्रॉमिस, ठीक है? ये ले, तू ये खा और अपना ख्याल रखना। अरे मोटर मोटर सुनिए, अस्सलाम वालेकुम। अरे एक नजर इधर भी तो देखिए। अरे रुकिए, आप है कौन? अरे खाकसार को जवानी दीवानी कहते हैं। अन्ना सा शायर हूँ। तिबला आप पर नजर पड़ी तो फिसलती चली गई, फिसलती चली गई। वाह वाह, क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या बाल है और क्या गाल है। पाखा जी, जी नहीं। अरे सुनिए मोटर माँ, अरे बदतमीजी है। अरे मेरी आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में भी आप उम्र की बात ना कीजिए हमसे। माशाल्लाह, आपका ये हुस्न, ये शबाब, ये रुख, ये अंदाज हम पर कह डाल रहे हैं।
हमारी तबीयत को मचला रहे हैं, हम पर बिजलियां गिरा रहे हैं, हमें जुड़ा रहे हैं, हम जले जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल। ए बुड्ढे, छोड़ दे मेरा रास्ता, नहीं तो मैं कहां। देखे हैं जलवे जवानी के हमने, बुढ़ापे का जलवा हमें देखना है। छोड़ दे। छुपाऊंगा सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा, तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक, तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक।
तो ये बात थी, मगर ताज्जुब की बात यह है कि हम लोगों को अभी तक पता कैसे नहीं चला कि वो सारा चक्कर जो था वो तुम्हारा वो क्या, वाह क्या एक्टिंग की थी। ये नसीब कुमार तुम्हारी एक्टिंग को सलाम करता है, जरा आशीर्वाद के लिए मेरे सर पे हाथ रखना तो। हुश्त, सलाम वालाम बाद में, पहले ये सोचा जाए कि मामा के प्यार के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए और प्रताप सिंह की चली हुई चाल से चौधरी साहब को कैसे बचाया जाए। हाँ हाँ, समस्या तो गंभीर है मगर इस समस्या से वो छुटकारा दिला सकता है। कौन? बाबा गोबरनाथ। जय जय बाबा गोबरनाथ, जय जय बाबा गोबरनाथ, जय जय बाबा गोबरनाथ। बोलो बाबा गोबरनाथ की, बोलो बाबा गोबरनाथ की, बोलो बाबा गोबरनाथ की, बोलो बाबा गोबरनाथ की जय। जय हो बाबा गोबरनाथ की, जय हो। अरे बाबा से मिलने से पहले हमें कुछ दिखाई नहीं देता था, अरे जब से बाबा ने इन ज्योतिहीन आंखों पे हाथ फिराया हमें सब कुछ दिखाई पड़ने लगा। अब तो अंधेरा में भी सुई में धागा डालने को सकता है। देखा बाबा का चमत्कार? देख रहा हूँ। देखा ना, हम दोनों का प्रणाम स्वीकार करो महाराज। 20 साल से मेरी बीवी की गोद सुनी थी मैंने, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च कहाँ कहाँ जाकर घंटा नहीं बजाया, मगर किसी ने घंटे की आवाज नहीं सुनी, सिर्फ बाबा आपने घंटे की आवाज सुनी। आपके आशीर्वाद से एक नहीं दो नहीं एक साथ तीन तीन बच्चों का बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जरूर उसकी बीवी ने त्रिदेव देखा होगा। क्या देखा होगा? नहीं, बाबा का दूसरा नाम है फोरदेव, बाबा उसके अवतार हैं। बाबा की जय। जय बाबा। देवियों और सज्जनों, आज की सभा यहीं समाप्त होती है, बाबा के विश्राम का समय हो गया है। आप लोग अपने अपने ग्रह को प्रस्थान कीजिए और जोर से बोलिए बाबा गोबरनाथ की, बाबा गोबरनाथ की, बाबा गोबरनाथ की। चल, ये मौका अच्छा। अरे चलना यार, वो लोगों को औलाद दिलाना तुझे सावित्री दिला सकता है। अरे चलना यार, काटेगा थोड़ी। जय बाबा भोगनाथ जय। उठो बच्चा उठो, हम तुम्हारे कष्ट से भलीभांति परिचित हैं। मालूम नहीं क्या बोला, अपने जाने देना, तू शुक्र है ना, छोड़। बाबा बाबा इसका कष्ट दूर कर दो बस। अवश्य दूर करेंगे। दूर करेंगे? क्या दूर करेंगे बाबा? सावित्री को तुमसे दूर करेंगे बच्चा। क्या आप क्या कह रहे हैं बाबा? भगवान के लिए सावित्री को मुझसे दूर मत करिए, मैं उसे प्यार करता हूँ, उसे शादी करना चाहता हूँ, उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। ये तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सकती है बच्चा, परंतु 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 क्या बाबा? परंतु एक विकट समस्या है। नहीं महाराज, आप अपनी अलौकिक शक्ति से इनकी मनोकामना को गुड़ गोबर होने से बचा लीजिए। हाँ, एक मार्ग है। क्या महाराज? अगर तुम्हें अपने जीवन पे छाए हुए अंधियारे पे प्रेम की ज्योति जलाना है, जलाना है, सावित्री को पाना है, पाना है, उसे अपना बनाना है, बनाना है महाराज, बनाना है, तो उससे दूर रहना होगा। दूर रहना होगा? आज से आने वाली सातवीं पूर्णमासी तक। मगर सातवीं पूर्णमासी के आते आते तो मेरा चौथा हो जाएगा। इसका कोई उपाय तो होगा महाराज। हाँ, एक उपाय है। क्या उपाय है महाराज? कि जब भी तुम या तुम्हारे कदम उसकी तरफ प्रेम विवश बढ़े तो हमारे नाम का उच्चारण कर लेना, महाराज। हमारा नाम ही तुम्हारे हर कष्ट का निवारण होगा। जय गोबरनाथ, जय गोबरनाथ, गोबरनाथ, जाओ महाराज, जय गोबरनाथ, जय गोबरनाथ, जय गोबरनाथ, जय गोबरनाथ। अच्छा हुआ उस बुड्ढे से छुटकारा मिल गया। सावित्री जी, सावित्री जी, ये आप किससे बातें कर रही हैं? मैं आप ही से बात करने की प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सावित्री जी, अब मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती, अब मुझे लगता है कि मुझे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। जब भी मैं आपको देखता हूँ मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और पता नहीं खुजली हो रही है। खैर, हाँ तो मैं क्या कह रहा था? खुजली हो रही है? नहीं, मैं कह रहा था कि याद आया, मैं कह रहा था कि अब मुझे ये सूनापन काटने को दौड़ता है। ये घर की हर चीज काटती है, लेकिन यहाँ क्या काट रहा है? क्या कह रहा था मैं? यहाँ क्या काट रहा है? नहीं, मैं कह रहा था कि अब आप मेरे सूने जीवन में आ जाइए,
बसंत ऋतु की तरह छा जाइए, आ जाइए। जय जय बाबा गोवर्धन। अगर तूने इसे छूने की कोशिश की तो इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में तुझे नहीं मिलेगी। नहीं छूना नहीं जाजा बाबा बोगरनाथ, नहीं छूना नहीं जाजा बाबा बोगरनाथ। जय जय बाबा गोबरनाथ। बहुत होशियार समझती अपने आप को है, अपने यार से मिलकर मुझे ही बेवकूफ बना रही थी। याद रख, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर किया है तूने, अब मैं तेरी वो हालत करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। सोनिया तो बाद में देखेगी प्रताप सिंह, पहले तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। लड़की पर हाथ उठाने का मजा, तूने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया विजय, तुझे इसकी पूरी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। हवा में गोलियां चलाने से कुछ नहीं होगा प्रताप सिंह, अपने शिकार पर निशाना लगाओ तभी अपने मकसद में कामयाब हो सकोगे। हाँ, अब निशाना शिकार पे ही लगेगा, गोली भी चलेगी मगर आवाज नहीं आएगी, खून भी बहेगा, चौधरी खानदान जिंदा लाश बनकर रह जाएगा, जिंदा लाश। हेलो, एक खास खबर है आपके लिए, सावित्री और सोनिया एक ही लड़की के दो नाम है, वो कुमार और अपने आशिक विजय के साथ मिलकर आपको बर्बाद कर देगी। बकवास कर रहे हो तुम, झूठ है सब। यकीन नहीं आता तो उसका कबाड़ खोलकर देख लीजिए, सबूत मिल जाएगा। भंजे चिंगारी भड़क उठेगी। कुमार साहब, चिंगारी तो भड़क चुकी है और आशियाना भी जलकर खाक हो चुका है। आशियाना खाक? कैसी बहकी बहकी बातें करो तुम,
और ये क्या हुलिया बना रखा है? यही तो हकीकत है। सपनों के सहारे इंसान कब तक जी सकता है? जब किताबों में पढ़ते थे कि प्यार अंधा है, लव इज ब्लाइंड, तो बड़ा ताज्जुब होता था। लेकिन आज इस बात का एहसास हो गया और यकीन हो गया कि प्यार इंसान को अंधा, पागल और बेवकूफ बना देता है। साफ साफ कहो ना, कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी पहली हमारी समझ में नहीं आ रही। बड़े अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने मेरी जिंदगी के हर पल को एक पहेली बनाकर रख दिया है, वही मुझसे पहेली का मतलब जानना चाहते हैं। जब कोई दुश्मन दुश्मनी का चोला पहनकर सामने आता है तो पहचाना जाता है, लेकिन जब कोई दुश्मन अपनों का चोला पहनकर सामने आता है तो बड़े बड़े धोखा खाकर रह जाते हैं। क्यों क्यों सावित्री देवी उर्फ सोनिया, और अगर कोई तीसरा नाम भी है तो? हे चौधरी साहब, मेरी मजबूरी। तुम अपने झूठ, परेब और मक्कारी को मजबूरी के दामन में छुपाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी जैसी जलील लड़कियां दौलत की खातिर गिरी से गिरी हरकत भी कर सकती हैं। मामा, ये आप गलत कह रहे हैं। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि एक आशिक अपनी महबूबा की बुराई भला कैसे सुन सकता है। तुम दोनों ने मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया है, और विजय, मुझे नीचा दिखाने का इससे सुनहरी मौका भला तुम्हें कैसे मिल सकता था? आखिर तुमने साबित कर दिया कि एक गंदी नाली का कीड़ा साफ सुथरे पानी में भला कैसे रह सकता है? बस बस बहुत हो गया। आप इन मासूम बच्चों पे इल्जाम लगा रहे हो, मैं बड़ी देर से सुनता चला जा रहा हूँ। बस कुमार साहब, इतने में घबरा गए? तुम्हारे एक्टिंग स्कूल में स्टूडेंट्स की कमी पड़ गई थी जो तुमने इन दोनों को अपना शागिर्द बना दिया। कितनी फीस दी है इन्होंने तुम्हें? 1,000, 2,000, 5,000? अरे मुझे कहा तो मैं तुम्हें मुंह मांगी फीस दे देता। तुम मुझे फीस देते? हाँ, ताकि तुम एक दोस्त की पीठ में एक छुरा भोंकने के गुनाह से बचा लेता। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें एक दोस्त समझता था, हमदर्द समझता था, अपना हमराज समझता था, लेकिन तुम एक आस्तीन के सांप निकले। बस चौधरी साहब, आज बहुत बोल गए हैं आप। अब जो मैं बोलता वो सुनिए आप। अरे आप सारी जिंदगी क्या करते रहे? रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती को, यहाँ तक इंसानियत को दौलत के तराजू में तोलते रहे आप। आप ये भी भूल गए कि प्यार एक ऐसा रिश्ता है, एक अनमोल हीरा है, जिसे सिर्फ प्यार खरीद सकता है। दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। आप अपनी दौलत के घमंड में सब कुछ गंवाते आए हैं, और आज तक नहीं सुधरे आप। अभी भी आपको होश नहीं आया। कुमार, तुम भूल रहे हो कि तुम इस वक्त मेरी छत के नीचे खड़े हो। तुम यहां से निकल जाओ। आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर, आउट। शुक्रिया दोस्त, आज तुमने मुझे मेरी औकात बता दी। अंकल, जिस घर में आपकी कोई इज्जत नहीं, वहां मैं भी नहीं रुकूंगा। हाँ हाँ, तुम भी जाओ, जाओ तुम भी, और साथ में इस नौटंकी को भी लेकर जाओ। जाओ जाओ जाओ। अरे जाओ तुम लोग। तुम लोग क्या सोचते, मैं तुम लोगों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता? चौधरी रणबीर सिंह तुम लोगों के बगैर जी सकता है? अरे जाओ तुम लोग, जाओ जाओ जाओ। मैं अकेला भी रह सकता हूँ। जाओ जाओ जाओ, तुम जी सकता हूँ अकेला में। जाओ। स्लीपिंग ब्यूटी, खोलो तुम लोग। अरे आप लोग कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? Old man. कहाँ तुम लोग? मैं कहता हूँ खोलो तुम लोग, क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो तुम लोग? हेलो साहब, चौधरी साहब को कुछ गुंडे उठा कर ले गए। चौधरी साहब को उठा के ले गए? जल्दी आइए, हम आ रहे हैं, हम लोग अभी आ रहे हैं। जिसका डर था वही हुआ। प्रताप सिंह ने आखिर अपनी जात दिखाई दी। अंकल, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, पता नहीं चौधरी साहब कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। चलो। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? कौन हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझको। कौन हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ मुझे। छोड़।
सिंह, इन सारी कमीनी हरकतों के पीछे तेरा हाथ है। क्या करें चौधरी साहब, लाख कोशिशों के बाद भी आप हमारी प्यार की भाषा समझ नहीं सके, इसलिए आपको आपकी भाषा समझाने के लिए ब्लैक आई को आज खुद आना पड़ा। ब्लैक आई? Very sad, very bad old man. तुमने एक छोटा सा सिग्नेचर नहीं किया, हमको बहुत तकलीफ हुआ। जितना तकलीफ हमको हुआ उससे डबल तकलीफ तुमको होगा, होगा ना? नहीं नहीं नहीं, मत मारो मत मारो। डोंट हिट हिम लाइक अ डॉग, इस बेचारे को तकलीफ होगा। देखो ओल्ड मैन, हम तुम्हारा दुश्मन नहीं है, हम तुम्हारा दोस्त है। दोस्त? दोस्त? और तुम? नहीं समझा? तुम्हारा गवर्नमेंट इस मुल्क का आबादी कम करने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस मुल्क का आबादी कम नहीं होता। नहीं होगा ना? हम तुम्हारे देश के लोगों को ड्रग्स का आदत डालेगा ताकि वो अपने आप अपनी मौत मर जाएगा, और फिर तुम्हारे देश का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। हम तुम्हारे देश के वास्ते इतना बड़ा काम करता है, और तुम अपने देश के वास्ते एक छोटा सा सिग्नेचर नहीं कर सकता? करेगा ना? करेगा 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 ना? नहीं करेगा चौधरी, नहीं। मिस्टर प्रताप, तुमने इस ओल्ड मैन के साथ बहुत अत्याचार किया। वेरी गुड, तुम कांग्रेस निधि पापरी पेपरी का स्तो ओए बेलो पर के रस्तो लियास्ता यस्तो, ये वो इस पे साइन करो, तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। साइन करो, ये तुम कांग्रेस में पुरकास। जय जय बाबा गोवर्धन, जय जय बाबा गोवर्धन। जय बाबा गोवर्धन, जय 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 जय गागा गोवर्धन, जय जय गागा गोवर्धन। ये ओल्ड मैन पागल हो गया है। गोबर, तुम्हारे को कसम नहीं रहे बस? मलाक पोती। जय जय बाबा गोवर्धन, जय जय बाबा। ये ओल्ड मैन पागल मैड हो गया है। जय बाबा गोवर्धन, जय बाबा गोवर्धन, हे राम तेरी गंगा। बुड्ढा बिल्कुल सटिया गया है। जय जय बाबा गोवर्धन, जय जय बाबा गोवर्धन, एक मिनट एक मिनट, आप लोग यहाँ कैसे हैं? हमने तो कोई हवन नहीं रखा है। बच्चा, हम तो कल्याण है, तू यत्र तत्र सर्वत्र हमेशा उपस्थित रहते हैं। देख हमारा चमत्कार। तुम कलाश निर्गत सुपुरिया कर यूरिया सुपुरिया सुरिया बात कर या तैया 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 मगाता। भोगरनाथ की विजय, भोगरनाथ की विजय। पर करो इस पूछा करे नहीं तो माँ को करे। मैं तो निकल ली। हल्दी मिर्ची हल्दी मिर्च राजा
है? थैंक यू कुमार। गलती से मेरी पिक्चरें फ्लॉप हुई थी, मैं फ्लॉप नहीं। आए पकड़ो पकड़ो पकड़ो। थैंक यू। क्या कर रहे हो? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नहीं पकड़ो। घोड़ा मुश्किलों से अपनी बहन का बिछड़ा हुआ प्यार मुझे विजय के रूप में मिला, उसे मुझसे मत छीन मां। छीनना है तो मेरी जिंदगी छीन ले जिसने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। मेरे अंधेरे घर में प्यार की रोशनी दिखाकर दोबारा अंधेरा मत कर मां। मेरे विजय की रक्षा कर, मेरे विजय की रक्षा कर मां। चौधरी, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, खतरे की घड़ी टल गई। चलगी मेरे दोस्त, मर गया तुम्हारा भैया। भाई बहन का रिश्ता इतना कमजोर नहीं भैया जो शब्दों के वार से टूट जाए। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। भैया मैं तो यहाँ अब कभी नहीं आऊंगी, लेकिन हर साल मेरी राखी अपने भैया का इंतजार करेगी। बहन, अगर आज तू जिंदा होती तो मामा। विजय, विजय
सोनिया कहाँ है? ओ, अब ना छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा, तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक, तू है सनम मेरा प्यार। Oh, shit.